जी सलामकुम नाजीन, नयादीन टीवी हाजिर है फहीम मलिक एंड बाबा मलिक, टू मलिक साहेब। और स्पेशली जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, मैं हर दफा ही रिपीट करता हूँ, मकसद यही है कि हम अपने जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या दुनिया में कहीं भी जो लोग बैठे हुए हैं, इवन पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके कौन कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसी की वजह से मैंने बाबर मलिक साहब को साथ बिठाया होता है, जिनकी एक्सपर्टीज यही है। तो बाबर मलिक साहब, आज हम कोशिश करते हैं कि पिछले जितने भी सब्जेक्ट, अगर आप उसको समराइज करना चाहते हैं, ताकि हम जो प्रोग्राम हमने पिछले 4-5-6 प्रोग्राम किए हैं, उसमें से जो जो चीजें हमने लोगों को बताई हैं, मैं चाहूंगा कि आज उन सब्जेक्ट को आप उठा लें, ताकि इसको समराइज करें, तो फिर अगले प्रोग्रामों में नई चीजें लेके आएंगे। जी, थैंक यू फहीम साहब, इट इज़ अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये मेरी हमेशा से एक यंग प्रोफेशनल के तौर पे एंटर हुआ था इस फील्ड के अंदर, तो तब से मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में कैसे ऐसे काम कर सकें कि जिससे जो है वो हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो, लोगों को इज्जत के साथ रोज़गार मिले। तो आपके प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका मिला कि फाइनली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, ताकि वरना हम मतलब क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस रूम्स में तो इस किस्म की बातें करते रहते हैं, लेकिन एक वाइडर ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सकें कि और वो उनको वो बातें बता सकें, जिससे ना सिर्फ ये कि वो खुद अपना अच्छा आमदन कारोबार का सिलसिला बना सकते हैं, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने में, मुलाजमतें क्रिएट करने में भी कॉन्ट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे जैसे मैंने कहा कि गुर्बत का खात्मा होगा, जिससे जो है आम लोगों को यहाँ पे रोज़गार, इज्जत के साथ रोज़गार मिलेगा। तो ये मेरी नज़र में, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं रियली एक्साइटेड कि हम ये सारा कुछ कर सकें, और चंद शोबे थे जिनको हमने बड़ी डिटेल में जाके इन डेप्थ जो है वो स्टडी किया, उनको देखा, जिनमें एग्रीकल्चर का शोबा ऑब्वियसली था, जिसको हमने बड़ी इन डेप्थ जाके देखा, हमने डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बड़े अरसे से चली आ रही हैं, आम लोगों की समझ में, आम लोगों की नज़र में, आज भी वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं तो वो राइस मिल लगाना चाहते हैं, फ्लोर मिल लगाना चाहते हैं, शुगर मिल लगाना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये इन शोबों में अब किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, शायद मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और जो इन्वेस्टर इन एरियाज़ में आके नई मैनुफैक्चरिंग करना चाहते हैं, शायद वो नुकसान में रहेंगे, जो हम नहीं चाहते। फिर हमने आने वाले प्रोग्रामों में डिस्कस किया लाइफ स्टॉक सेक्टर को, क्योंकि हमें लगा ये कि लाइफ स्टॉक के अंदर ऐसी एरियाज मौजूद हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनमें अगर आज कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जो कारोबारी हज़रात आके इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, ख़ास तौर पर दूध और उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, चीज़, क्रीम एंड सो ऑन, या मीट, गोश्त और उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो उसमें उनको बहुत मुनाफा भी हो सकता है, और पाकिस्तान से इन ये अशिया एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं, और हमारे मुल्क में जो आम लोग हैं उनको इससे मुलाजमत भी क्रिएट करके दी जा सकती है, तो इसमें बहुत स्कोप है। हमने उन टेक्नोलॉजीज़ की बात की, उन मुल्कों की बात की जहाँ से वो टेक्नोलॉजीज लाई जा सकती हैं, उन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया जो कि यहाँ पर हमें फॉलो करने हैं, और फिर एक्सपोर्ट की हमने बात की कि किन मुल्कों तक फिर ये प्रोसेसेस फॉलो करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे उसका हमारे मुल्क में क्या उसकी डिमांड है, उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। इसी तरह हमने हॉर्टिकल्चर के शोबे को भी एक हाई पोटेंशियल शोबे के तौर पर ट्रीट किया, जिसमें सब्जियों और फलों और फूलों को प्रोसेस करके उनकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को बना के, तो हम अगेन पाकिस्तान के अंदर भी उसकी मार्केट्स हैं और दुनिया में जो उसकी मार्केट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ प्रोसेसेस को देखा, जिस तरह डिहाइड्रेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया,
पोटैटो फ्लेक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने कहते हैं मुख्तलिफ कुछ चीज़ें रह भी गई, सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हुए और ऑब्वियसली ये पॉसिबल भी नहीं है। हमने पल्प को डिस्कस किया, फ्रोजन हम उस डिटेल में नहीं डिस्कस कर सके लेकिन उसकी भी आपको बताया कि फिजिबिलिटीज अवेलेबल है और उसको कैसे किया जा सकता है। असेंशियल ऑयल जो पुदीने से फूलों से तेल निकाला जाता है उसको हमने डिस्कस किया लेकिन उसकी भी फिजिबिलिटी मौजूद है, जो लोग उसको डिटेल में जाके देखना चाहते हैं। तो इस तरह हमने एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर के शोबों में जो है वो पे डिस्कशन की कि किन एरियाज में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, और वो एरियाज भी हाईलाइट करती है कि जहाँ पे मजीद इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है और इन्वेस्टर्स को हमने डिस्करेज किया कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये एक तरह की बड़ी ब्रॉड बेसिक समरी है हमारे पिछले 7-8 इंटरेक्शंस की जो हमने इस प्रोग्राम के तहत। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं वही चाहूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट हमने चूज किए हैं अगर आप उनको और किसी मतलब एक पूरे पैराए में 2-4 जो बुलेट पॉइंट है उसको उठा लें, इसकी जो हमने अभी तक किया है उसके बारे में थोड़ी सी अगर आपके जहन में और कोई चीज बताने वाली है वो बताएं ताकि हम इस बात को आगे चलाएं। जी क्रॉप से अगर हम शुरू करें तो हमने डिस्कस ये किया कि वीट मिल्स नया लगाना शायद अब उसमें गुंजाइश नहीं है। राइस की जब हमने बात की तो हमने कहा कि राइस मिल्स नहीं नई लगाने में शायद की गुंजाइश नहीं है लेकिन राइस की ट्रेडिंग जो है एक्सपोर्ट का कारोबार जो है वो किया जा सकता है और वो मुसलसल ग्रो कर रहा है पाकिस्तान से राइस की एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारी एक कैटेगरी है बासमती राइस की, उसको वो दुनिया भर में उसको पसंद किया जाता है तो उसकी एक्सपोर्ट में एक इजाफा हो रहा है, हमारे अलावा सिर्फ गालबन इंडिया में बनती है। दूसरी जो सिंपल राइस है वो भी उसकी एक्सपोर्ट में भी वक्त के साथ इजाफा हो रहा है, तो उसमें हमने कहा कि एक्सपोर्ट के हवाले से काम हो सकता है लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग मिल्स है वो बहुत लगी हुई है, शायद नई मिल की गुंजाइश इतनी नहीं है। हमने कॉटन को इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया लेकिन कॉटन में भी मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जो आपकी स्पिनिंग मिल जिनिंग मिल्स हैं ये बहुत लग चुकी हुई हैं, इनमें शायद इतनी गुंजाइश नहीं है लेकिन गारमेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ, क्योंकि पाकिस्तान से में बड़ी थोड़ी गारमेंट की एक्सपोर्ट हो रही है 5-6 बिलियन के करीब और हमारे साथ बांग्लादेश है जो कि 20-22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है जो कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ऐसे इस बांग्लादेश की जब आपने बात की है तो आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की लेबर थोड़ी सी पाकिस्तान से सस्ती है, शायद ये वजह है, या ऑब्वियसली जैसे हमने पिछले दफा डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने उसके ऊपर खासी मेहनत की है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि टेक्नोलॉजी वाइज और हमारी लेबर को इतना 19-20 का ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है मेरे ख्याल में। जी मेरी नजर में दो बड़ी वजूहत है, एक वजह तो हमारे दो बड़े क्राइसिस, पाकिस्तान दो बहुत बड़े क्राइसिस से अब निकल रहा है, बाहर बैठ के भी आप लोगों को इस बात की का अंदाज़ा भी होगा, इस बात की तकलीफ भी होती होगी लेकिन जिन लोगों ने हम लोग यहाँ अंदर से बैठ के क्योंकि इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहे हैं तो हमें भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये क्या तकलीफ थी। एक तकलीफ थी टेररिज्म की, बहुत बुरे हालात थे, बहुत सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब थी, मतलब आपने जब दुनिया के साथ ट्रेड करनी होती है तो दुनिया को आपको इन्वाइट करते हैं, दुनिया आपको आती है, आपसे मिलती है, इंस्पेक्शंस करती है, आपकी फैक्ट्रीज विजिट करती है, तो हमारे तो अपने लोगों के पास इतना खौफ था कि वो कुछ कर नहीं सक रहे थे, इन्वेस्टमेंट मजीद कर नहीं सक रहे थे, तो बाहर से किसी को अपने मार्केटिंग के हवाले से किसी को क्या बुलाते। दूसरा जो बड़ा क्राइसिस हमारा था वो बिजली की शॉर्टेज थी, ये तमाम फैक्ट्रियाँ जो है ऑब्वियसली बिजली पर इन्होंने चलना होता है, तो बिजली हमारे मुल्क में बड़ी अक्यूट शॉर्टेज जो है वो आ गई जिसकी वजह से, तो ये तो था क्राइसिस का हिस्सा। दूसरी की मेरी नज़र में वजह है और शायद किसी हद तक ये आपस में लिंक भी है, जब आप इस किस्म की क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं तो कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन करने की गवर्नमेंट के पास भी स्पेस जो है वो श्रिंक हो जाती है।
मुझे याद है आज से काफी सारे साल पहले जब मैं स्वीडा में मुलाजमत करता था, तो एक टेक्सटाइल विजन के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्वीडा ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, स्ट्रेटजी पेपर बनाया था। और वो उस स्ट्रेटजी पेपर में स्वीडा ने ये प्रपोज किया था कि जी हमारे पास तीन रास्ते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए, हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि जो हम कर रहे हैं वही करते रहें और कोई मेहनत ना करें, कोई नया काम ना करें। दूसरा रास्ता उन्होंने ये बयान किया कि जहाँ पे हम एक हाफ हार्टेड मेहनत करें, कुछ मॉडर्नाइजेशन कर लें। और तीसरा एक उन्होंने स्ट्रेटेजिक रास्ता बयान किया, एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन प्रेजेंट किए। अच्छी बड़ी किताब थी, मोटी किताब थी, मेरे ख्याल से 300 सफ़ों की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो बड़ा अग्रेसिव एक स्ट्रेटजी थी कि जी किस तरीके से हम अपनी जो है एग्जिस्टिंग जिनिंग सेक्टर को, हमारे जो बाकी वीविंग सेक्टर है, बाकी सेक्टर्स हैं, उनको उनके अंदर टेक्नोलॉजी लाएं और उनको इम्प्रूव करें, दुनिया के मुकाबले पे लेके आएं, और फिर किस तरह हम डिवर्सिफाई करें इनटू गारमेंट्स और दूसरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वो मेरी नज़र में वो तीनों स्ट्रेटजीज, ऑब्वियसली स्वीडा का काम यह था कि वो तीनों स्ट्रेटजिक ऑप्शन जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, फिर वो गवर्नमेंट ने चूज़ करना था कि उनमें से किस ऑप्शन को वो पिकअप करके उसको एग्जीक्यूट करती है। फिर उसके खदोखाल भी बताए गए थे कि अगर इस ऑप्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली वो जो तीसरी ऑप्शन थी जिसमें बड़ी एक्टिव एग्रेसिव मार्केटिंग थी, टेक्नोलॉजी की इंडक्शन थी, लोगों की ट्रेनिंग थी, इन्वेस्टमेंट की मोबिलाइजेशन थी और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कदम बढ़ाना था। हम लोग आमतौर पर जो है वो बेड लिनन और ये पर्दे और इन चीज़ों में ज़्यादा काम करते थे, जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने मेहनत नहीं की हुई थी। तो वो सारे जो कदम हमने उठाने थे, वो सारी जो एफर्ट हमने करनी थी, वो नहीं हुई। उसी किस्म की एफर्ट जो है, उसी किस्म की स्ट्रेटजी बांग्लादेश ने कर ली, वो बहुत आगे निकल गए और हम क्योंकि नहीं कर सके। जहाँ पे एक तरफ क्राइसिस था, वहां पे दूसरी तरफ ये नहीं था कि स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं थी, एक डॉक्यूमेंटेड रोड मैप, एक स्ट्रेटजी मौजूद थी, अनफॉर्चुनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये उसकी मेरी नजर में कह रहे हैं कि रियलिटी है कि जो आपकी बात से अगर समराइज किया जाए तो गारमेंट्स में अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप जो दोबारा मैं कह रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि कोई कॉस्ट लेबर कोई इतना फर्क नहीं है जितना बांग्लादेश का और यहाँ का है, ये आपका ख्याल है या? मेरे ख्याल में जी हम ज्यादा कंपेटिटिव हैं, उसकी बहुत सारी रीजन है, हम उन सारी रीजन पे डिस्कशन कर सकते हैं। हमारी लेबर भी शायद आज बांग्लादेश से कम कीमत में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी हमारे मुल्क में अच्छी अवेलेबल हो सकती है, तो मेरी नज़र में हम शायद बांग्लादेश से ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे। लेकिन एक एडवांटेज होता है जिसने मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर ली हो, उसके पास बहरहाल एक एडवांटेज होता है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि हम कहीं ज़ीरो पे खड़े हैं, उस मार्केट में हम भी एक प्लेयर के तौर पर मौजूद हैं और शायद आज के दिन में बांग्लादेश से ज़्यादा कंपेटिटिव है। और अगर हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहें, एक कंसल्टेड एफर्ट, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करना चाहें, तो कोई हर्ज नहीं है कि हम बांग्लादेश के बराबर आके खड़े हो जाएं। तो मेरी नज़र में आज भी कुछ खोया नहीं है हमने। अगर हम आज भी कोशिश और एफर्ट शुरू करें अपनी मार्केटिंग को बेहतर करने की और इस सेक्टर में मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करें, तो मेरी नज़र में कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान आने वाले 5-8-10 सालों में जो है वो उसी बराबरी पे आके खड़ा हो जाए। और फिर आप देखें ना, आपकी कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड बांग्लादेश से ज़्यादा है। बांग्लादेश जो है वो एक कोने में है, आप जो है वो दुनिया से ज़्यादा आसानी से कनेक्टेड। अब तो ये जो कॉरिडोर भी बन रहा है सारी दुनिया में माल भेजने के लिए, ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के पास, ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो सारी सेंट्रल एशिया को जाके रीच कर सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं मेरे जहन में एक सवाल है, पुरानी बात से रिलेटेड है। कॉटन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बनती है, ऐसी बात जी? और मैंने कॉटन जो है ना जी, ये बात जरा फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि कॉटन जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ग्रो की जाती थी। पिछले चंद सालों में इसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है और इस डिक्लाइन के पीछे तीन वजूहात हैं। पाकिस्तान जो कॉटन
और उससे बनने वाली थ्रेड का जो एक्सपोर्टर हुआ करता था आज पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है। और उसकी एक वजह यह है कि शुगर केन जो है उसकी कल्टीवेशन साउथ पंजाब में बहुत बढ़ गई। वो आपको पता है कि वो एक पॉलिटिकल क्रॉप होने की वजह से उसको इस किस्म की एडवांटेजेस दे दी गई पब्लिक मनी से, कि जिसकी वजह से लोगों को शुगर केन में ज़्यादा बेनिफिट निकलता था, तो लोगों ने कॉटन लगाने की बजाय शुगर केन लगानी शुरू कर दी। दूसरी उसकी वजह थी क्लाइमेट चेंज से आने वाली गर्मी, बीमारियां और पानी की किल्लत की वजह से फार्मर के लिए कॉटन को मैनेज करना और उसको सस्ते में प्रोड्यूस कर लेना मुश्किल से मुश्किल होता गया। और तीसरी वजह ये थी कि एक नई टेक्नोलॉजी कॉटन की बीटी कॉटन के नाम से दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई गई। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है US बेस्ड जिसने ये इंट्रोड्यूस कराई और उसने पाकिस्तान को भी ऑफर किया कि ये टेक्नोलॉजी हम आपको भी देंगे। ऑब्वियसली वो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो पाकिस्तान को बेचना चाहती थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी बेचना चाहती थी। फॉर सम रीजन गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट, ये पुरानी बात है, कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि हमने टेक्नोलॉजी खरीदनी है। जिन कॉटन प्रोड्यूसिंग मुल्कों ने इंक्लूडिंग इंडिया ये बीटी कॉटन की टेक्नोलॉजी खरीद ली, उनकी यील्ड, उनकी कॉटन की रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट बहुत बेहतर थी नई कॉटन की वैरायटी की। आपका की यील्ड भी कम हो गई उनके मुकाबले में, आपकी मुल्क में बीमारियां भी पड़ने लग पड़ी उनके मुकाबले में। तो एक तरफ ये कि शुगर केन का अल्टरनेट बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, दूसरी तरफ ये कि कॉटन में जो कदम हमें लेने चाहिए थे वो हमने लिए नहीं, और तीसरा ये कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पानी की कमी की वजह से, तो फार्मर्स ने तकरीबन कॉटन लगानी बहुत कम कर दी हुई है और पाकिस्तान अब कॉटन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्पोर्ट करके अपनी फैक्ट्रियों का की ज़रूरत पूरी करता है। तो ये बात बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है जो शायद आने वाले वक्तों में मेरी मेमोरीज में है कि एक ज़माने में कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती थी और हमारे पास कोटा सिस्टम था, ऑब्वियसली हमें खुल के कॉटन नहीं बेचने देते थे, बकायदा हमें कोटा देना पड़ता था जिसपे फॉरेन कंपनीज की या समझ लें अमेरिकन्स की या जिसकी भी उनकी एक हेजमनी थी, तो वो आपको कंट्रोल करते थे कि आपको कोटा सिस्टम देना, फिर उसके बाद जबकि आप इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे तो वो उन्होंने अपने तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट बनाया हुआ था जो हमेशा से होता है कि जितनी भी बड़ी पावर्स हैं कहीं ना कहीं वो आपको किसी ना किसी तरीके से डिक्टेट करवा रही होती हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि कॉटन की इंडस्ट्री शायद इसी वजह से नीचे गई क्योंकि उसकी मतलब जो भी आपने जिक्र किया, लेकिन मैंने एक बात जो मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर कोई कपड़ा पहना जाता है वो कॉटन है या कोई और मटेरियल है? मैं तो ऑब्वियसली मेरे पास डेटा नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में वन कैन इमेजिन के कॉटन का इस्तेमाल है। उसमें वो आर्टिफिशियल जो फाइबर है वो भी मिक्स किया जाता है क्योंकि ये जिस किस्म की शर्ट्स आपने और हमने पहनी हुई है वो प्योर कॉटन की भी नहीं हो सकती, उसमें जब तक आर्टिफिशियल फाइबर किया जाए तो उसकी मजबूती नहीं बनती है। कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स होता है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी गर्म इलाके हैं कॉटन इज द बेस्ट क्लोथ फॉर द वेयरिंग स्पेशली गर्म इलाकों में, और पाकिस्तान में कंपैरेटिवली गर्मी ज़्यादा पड़ती है बनिस्बत इसके कि सर्दी। और क्योंकि हमारे कुछ दोस्त एक कंपनी है खेतर के नाम से, यहाँ पे मैं उसका जिक्र करने लगा हूँ, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो लेडी सूट्स आते हैं वो कॉटन के आते हैं, कॉटन का सीजन सबसे ज़्यादा सेलेबल सीजन होता है। बाकी जारी बात है क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद जब कॉटन का सीजन आता है तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं शौक से। आई डोंट नो व्हाई, उसकी कोई फील अच्छी है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है कि कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और उसका सीज़न कंपैरेटिवली आई नो यूके में लेडीज सूटिंग में सबसे प्रॉफिटेबल होता है और बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, जबकि दूसरा मटेरियल जो है जो सर्दियों के हिसाब से जैसे उसमें शफून आ जाती है, फिर खदर आ जाती है, फिर और भी क्या कहते हैं वेलवेट आ जाती है, वो मटेरियल जैसे जैसे सर्दी होती है
और मुझे पता है कि वेलवेट का इस्तेमाल तो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे तो सर्दी इतनी पड़ती नहीं है, तो वेलवेट तो मुश्किल ही पहनने वाली बात है। बल एनी हाउ मैं सब्जेक्ट से आउट हो रहा हूँ। सो कॉटन के बाद आप आगे अगर चलना चाहें बात आगे लेके चलना जी। फिर हमने शुगर केन की बात की और शुगर क्राइसिस भी उन्हीं दिनों में सारा एक उसका जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी क्योंकि आ गया सामने, तो उसमें हमने बड़ी डिटेल में एक तरफ तो ये बात की कि शायद मजीद शुगर मिल लगने की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान की जरूरत से ज़्यादा में तकरीबन मेरे ख्याल से दुगनी से भी ज़्यादा कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, तो नई इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जो शुगर क्राइसिस है उसके अंदर हमने थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिकमेंड ये किया कि डीरेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट को ना ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो शुगर क्यों प्राइस कंट्रोल, शुगर केन ग्रोअर को प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो लाइसेंसिंग की एक रिजीम है उसको ख़त्म करे ताकि अगर कोई भी आदमी नया आके इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सके, और एक्सपोर्ट पर सब्सिडी ख़त्म करके उस सब्सिडी को टारगेटेड सब्सिडीज फार्मर को दें ताकि वो अपनी यील्ड बढ़ाने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकें, अच्छी वराइटियों के ऊपर सब्सिडी दें, अच्छे टूल एंड इक्विपमेंट पर सब्सिडी दें एंड सो ऑन। तो ये हमने फिर शुगर के हवाले से ये डिस्कशन की। मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा शुगर के हवाले से, मेरा ऐसे ही व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू, अच्छा पाकिस्तान में जो गुड़ है मैंने अब मैं सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे गुड़ बहुत महंगा होता है और वो ये कहते हैं कि गुड़ जो सा है इज नेचुरल और उसको इस्तेमाल करने के उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि जो यूके की शेल्फ्स में हैं लोग शुगर की बजाय गुड़ कंपैरेटिवली महंगा होता है, तो थोड़ा सा ये बताएं मेडिकली क्या वाकई गुड़ बेटर होता है कंपैरेटिवली शुगर, क्योंकि शुगर को तो ट्रीट किया जाता है और सारा कुछ किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं अगर आपको पता है। मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था, ऑब्वियसली मैं न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर अपनी राय नहीं दे सकता, तो मैंने कहीं से सुना वो आपके सामने रख देता हूँ। देखिए शुगर अपने आप जो मैं जो दैट डॉक्टर ऑन अ प्रोग्राम वाज टेलिंग कि शुगर इन इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंसान को शुगर की ज़रूरत है, हम फलों से सब्जियों से मुख्तलिफ सोर्सेज से अपने जिस्म को की रिक्वायर्ड शुगर जो है वो ऑब्टेन करते हैं। उसके मुकाबले में जो ये आर्टिफिशियल वाइट क्रिस्टल शुगर है, ये वो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि ये एक तरह का मतलब एक खोखी शुगर है, यानी कि एक बड़ा आर्टिफिशियल तरीकेकार है शुगर को आप तक पहुंचाने का। इसमें जो ताकत और एनर्जी पैक होनी चाहिए वो नहीं है, सिर्फ एक मिठास है। तो उनका कहना ये था कि बजाय इसके कि आप इस तरीके से शुगर को इस्तेमाल करें जो कि आपके बॉडी में जाके सिर्फ डिपॉजिट हो जाती है और कोई एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं करती है, एक सिर्फ मेंटल हाई आपको देती है, बेहतर यह है कि आप शुगर के वो सोर्सेज इस्तेमाल करें जो नेचुरल हैं, जिनमें आई एम प्रीटी श्योर कि गन्ना हम बचपन में गांव में गन्ना खाते थे और बड़ी ताकतवर होती है ये, इसको मुझे याद है बचपन में हमने गांव में जो घोड़े वगैरह रखे होते थे तो वो घोड़े को एक गुड़ का सिर्फ इतना छोटा सा ब्लॉक जब हम खिला देते थे तो उसके लिए एक दिन की एनर्जी उसमें उसकी ताकत आ जाती थी। तो एक दिन में एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक नई बात की, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे घोड़े रखे हुए हैं, तो आप ये समझते हैं कि अगर घोड़े को आपने एनर्जी देनी है तो अगर उसको एक गन्ने का पीस खिलाएं तो घोड़े में ज्यादा ताकत आ जाती है, ये एक नई है मेरे लिए, नई बात है शायद। देखिए मैं तो वो आपको बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ एक देसी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे पास इसकी कोई ऑब्वियसली मेरा वो है नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जो शुगर के नेचुरल और ताकतवर सोर्सेज हैं डेफिनेटली वो ये जो क्रिस्टलाइज शुगर है, ये जो चीनी है, ये जिसको हम चीनी कहते हैं, इससे सब के सब बेहतर है। तो मेरी नज़र में तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली गुड़ शक्कर जो है ये एक बेहतर सोर्स है चीनी प्रोवाइड करने का, हनी एक बहुत अच्छा सोर्स है मिठास प्रोवाइड करने का, तो इन नेचुरल सोर्सेज की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं गांव में मुझे याद है बचपन में हम लोग खुद गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है वो हम खुद करते होते थे, वो बेलना लगता था, वो जूस निकाला जाता था,
पकाया जाता था, तो वो प्रोसेस भी बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है, उसमें कोई नई ऊपर से कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती। तो आप देख सकते हैं कि वो जो जो उसकी एक एक क्या कहना चाहिए होलसमनेस है, वो उस प्रोसेस में जो है वो रह जाती है। और पाकिस्तान में अभी भी गुड़ बनता है, बिकता है, और अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो आपकी यूके की डिमांड को भी शायद पूरा किया जाए। नहीं, मैं देखें इसमें तो मैंने आपको कहा है कि यूके की शॉप में जब आपको नेचुरल उसे वो नेचुरल फॉर्म कहते हैं शुगर मिलती है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और लोग पसंद करते हैं कि ये नेचुरल फॉर्मेट है। अब ये अलहदा बात है कि हमने जो सफ़ेद चीनी है उसको इतना ज़्यादा फैंटेसाइज किया हुआ है, वो देखने में अच्छी लगती है, या ओवरऑल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात ही कह लें आप कि वो मार्केटिंग एक तरह से स्ट्रेटजी है तो शायद लोग, लेकिन यहाँ पे यूके की शेल्फ पे जो शुगर के पैक आते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किए होते हैं, और वो इतने ज़्यादा बिकते नहीं क्योंकि उनकी शेल्फिंग थोड़ी होती है, लेकिन इनकी शेल्फों में भी वो चीज़ आनी शुरू हो गई है। और पूरी दुनिया में इस वक्त हेल्थ से रिलेटेड जो सी चीज़ें हैं लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है एज इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर इस्तेमाल करना या वो सफ़ेद चीनी को इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल में शायद नेचुरल फॉर्म अगर आपको इस्तेमाल करनी है कहीं ना कहीं तो वो कंपैरेटिवली बेटर है रादर देन दूसरी वाली, इसीलिए वो चीज़ें अब यूके की शेल्फ्स में आ रही हैं। मैंने बात इसलिए की है कि जो आप कह रहे हैं कि गुड़ कंपैरेटिवली चीपर है चीनी से या महंगा है, वैसे आपको कोई अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। मैं इस पर डेफिनेटली मेरे पास इस वक्त कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है उसका, लेकिन मुझे 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 नज़र नहीं आता या वजह समझ नहीं आती कि वो क्यों महंगा होगा, क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो तो गन्ना ही है और वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, यहाँ पे आप एक रिलेटिवली सिंपल बॉयलर में उसको बॉयल करके जो है गुड़ में और शक्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने बचपन में गाँव में खुद ये प्रोसेस करते होते थे, रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, तो अगर मैं तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इसकी यूके में डिमांड है तो मैं तो कोई हर्ज नहीं समझता कि अगर कोई इन्वेस्टर्स इसको करना चाहे। नहीं, इसमें मैं दो ही चीजें कह सकता हूँ जो मैंने देखी है। अब यहाँ पे एक चीज है जिसे कहते हैं हम प्रेजेंटेशन, मिसाल के तौर पे अगर आप, मैंने देखा है यहाँ पे गुड़ आता है स्पेशली हम जाके ढूंढ के लाते हैं, आजकल जब से COVID-19 आया है तो सब लोग एक नेचुरल रेमेडीज के पीछे लगे हुए हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें तो अक्सर जो आपने कहा हनी और गुड़ की तरफ तवज्जो है, चीनी की तरफ कम तवज्जो है, तो वो जितनी फैंसी पैकिंग है उतना ही मेखर में लोग खरीदते हैं। मैंने देखा है कि लोगों ने बड़े बड़े छोटे से क्यूब से बनाए हुए बड़े खूबसूरत से और वो रखे हुए, और वो मैं समझ लें आप एक क्यूब डालें तो समझ लें कि आपने एक चम्मच डाल लिया है, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीक की हुई है कि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आप अगर जैसे नॉर्मली कहते हैं जी आपने कितनी चीनी लेनी है एक कप में, वो कहते हैं जी 2 स्पून या 1 स्पून, तो उसमें आप कहेंगे 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। अच्छा, उसमें इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ और लोगों को क्या कहते हैं कुछ चीज़ें प्रेजेंटेशन के हवाले से, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि शुगर कैन है और स्पेशली जिस तरह की ज्यादती हमारे ग्रोअर के साथ होती है शुगर के, ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद कुछ ना कुछ एक जैसे आप कहते हैं वैल्यू एडेड वाली बात आ गई ना, आप इसको और तरफ लेके जाएं और पॉसिबिलिटी है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल आए जो खासी प्रॉफिटेबल हो, इसके ऊपर थोड़ा सा देखने की बात है। ये पक्की बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सब लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और वो नेचुरल फॉर्म ऑफ एनी वेजिटेबल्स एनीथिंग लाइक दैट उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको सब्जेक्ट से हटा गया, आप दोबारा जो पूरा समराइज, वी आर क्वाइट ऑन द सब्जेक्ट। अगर इसकी मार्केट दुनिया में इमर्ज हो रही है तो शायद ये बहुत अच्छा वक्त है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए
क्योंकि देखिए ये जो हम घरों में जिस तरीके से या अपने देहातों में जिस तरीके से शुगर केन बनाते हैं, अगर आपने दुनिया को ले के पास लेके जाना है तो फिर आप उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। आपको बहरहाल कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, कोई फूड क्वालिटी और सेफ्टी की मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी पैकेजिंग, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करना। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ मुझे देखने में या सुनने में लग नहीं रही है, क्योंकि मैं प्रोसेस से वाकिफ हूँ, कि जिसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये काम किया जा सकता है, और अगर आप खासतौर पर यूके बेस्ड हैं और आपकी वहाँ की मार्केट्स तक रसाई है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पैकेज करें, प्रोसेस करें, बाहर लेके यूके लेके जाएं और उसको एक अलीट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। देखें तो बिल्कुल आप ऑन द टॉपिक ही हैं, मैं तो इसको ऑफ द टॉपिक नहीं समझ रहा। हाँ, चीनी जो है वो उसमें शायद इतना स्कोप गालबन नहीं है, बन सकता है अगर फार्मर को यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ सपोर्ट दी जाए तो फिर बेहतरी आ सकती है। अच्छा, नहीं मैं इसमें शुगर केन क्या ऑफ मार्केट भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो बड़ी फैक्ट्रियों वाले ले जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जी अवेलेबल है, कोई इतना इशू नहीं वो, और छोटी मोटी फैक्ट्री तो आपको छोटा मोटा प्रोडक्शन प्लांट तो आपको भी लगाना पड़ेगा। सही, लेकिन ये कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि शुगर केन अवेलेबल नहीं, इतना ज्यादा लगता है कि अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो एक रवायती ट्रेडिंग है ये थोड़ा सा उससे हटके है, और मुझे लगता है कि क्योंकि इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, तो वैसे ही पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस है कि जी आपने नेचुरल फॉर्मेट इस्तेमाल करनी है, तो मेरे ख्याल में दैट कैन बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव, थोड़ा सा किसी भी नए बंदे को आके उसमें थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन और वो जो एक प्रेजेंटेशन पे अगर तवज्जो देगा तो मेरे ख्याल में इट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल। इट्स जस्ट लाइक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बिकॉज नोबडी एल्स डूइंग इट, बट ऑब्वियसली पीपल्स आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस। जी ठीक है, आप आए आप बात करें। सो आई थिंक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, पीपल शुड बी इनकरेज टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया। उसके अलावा जिस एक और टॉपिक था कॉर्न मेज, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। ये पाकिस्तान की पांचवी जो एक मेजर क्रॉप्स हैं, बड़ी क्रॉप्स हैं, उनमें से मेज एक है। इसका इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन में हम इंसान की बात करें ना, थोड़ा सा मकई की मकई, जी ठीक। इसकी भी हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है। पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मिट्टी थी, बहुत कम एरिया था, फिर एक इंटरनेशनल कंपनी का सीड, हाइब्रिड सीड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया। यहाँ पे एक कंपनी है पाइनियर के नाम से, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा थी, ठीक। तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। तो वो जब हाइब्रिड सीड पाकिस्तान में आया तो एकदम जो है ना ये मेज लगनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ इसकी एडवांटेज ये थी कि इसकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज मार्केट हमारे पास अवेलेबल थी फीड मिल्स की शक्ल में, ठीक। जो ये पोल्ट्री सेक्टर को फीड दी जाती है उसमें मेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है एज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो फीड मिल जो है वो इसको परचेज कर लेती थी। तो एकदम पाकिस्तान में एक तो ये कि मेज की प्रोडक्टिविटी जो है पाकिस्तान में यील्ड दुनिया की जो बेस्ट यील्ड है उनके मुकाबले पे है, बराबर है, तो बहुत कंपेटिटिव है। और दूसरा ये कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल बायर मौजूद है के कहते हैं फीड मिल्स की शक्ल में, जो आगे पोल्ट्री सेक्टर को सप्लाई करता है। फिर ह्यूमन कंजम्पशन है के कहते हैं इसका आटा भी बनता है, so तो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये भी एक सेक्टर है कि जिसमें इसकी स्टार्च वगैरह भी बन जाती है, जिसमें डेवलपमेंट जो होनी थी लगता ये है कि काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। तो शायद कुछ बहुत इतने ज़्यादा लोग शायद अवेलेबल हैं जो इसमें जाके कर सकते हैं, उसमें आपकी रिटर्न मिल सकती है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा काम हो चुका है यहाँ। अब मुझे नहीं पता कि आप, मैं ऐसे आपसे सवाल, क्योंकि जब आप बात करते हो तो बीच में से सवाल आ जाते हैं, तो जो कॉर्न है ये सीजनल है या साल में एक दफा हो सकता है, दो दफा हो सकता है, तीन दफा हो सकता है, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? अब तो जी हाइब्रिड वैराइटीज आ गई है, वो सारा साल ही होती रहती है। अच्छा, क्रॉप्स आप साल में ले लेते हैं, जिस सीजन में आपने लगानी है उस सीजन के मुताबिक आपको वो उसका वो एक कोई ना कोई मॉडल नंबर उन्होंने निकाल दिया हुआ है। अगर आपने वो चारे के लिए इस्तेमाल करनी है तो चारे के लिए मिल जाएगी, अगर आपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करनी है तो ह्यूमन कर... तो इतनी सारी वैराइटीज जो है वो अब अवेलेबल है कि वो आपका सारा साल चलती हैं और मल्टीपर्पज जो है वो कहा जाता है कि कॉर्न इज ऑल्सो इज अ वेरी हेल्थी फॉर्मेट, मतलब ये भी एक तरह से एक नेचुरल
नेचुरल चीज है। और मैं वैसे ही आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं या ऐसी दुकान खुली हुई है जिस पे वो कहते हैं ऑर्गेनिक ओनली। अच्छा, अब उसमें कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होती और लोग शौक से जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सारा कुछ ऑर्गेनिक रखा होता है। तो मेरे ख्याल में दीज आर द फील्ड, अगर आप इसको मेखल में, अब मुझे नहीं पता कॉर्न्स को ड्राई करके, क्योंकि यहाँ पे तो पॉपकॉर्न्स बहुत ज्यादा खाए जाते और वो ड्राई फॉर्मेट में होते हैं, लोग उसे माइक्रो में डाल के पॉप अप करते हैं और वो एक्चुअली बहुत महंगे बिकते हैं और मुझे पता है कि इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। लेकिन ये भी वही फील्ड है क्योंकि एक थोड़ी इनोवेशन वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें तो आपकी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और जैसे आपने कहा कि अगर पूरा साल अगर आप उसको ले सकते हैं फसल को, तो अगर साल में तीन फसलें लगती हैं, सर्कल वही 4 महीने का हो गया ना, 4 महीने का सर्कल है। तो उस तरीके से अच्छा, इसमें जो इसको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ओपन में कोई सिस्टम नहीं, ओपन में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लगती है। लेकिन मैं इसमें आपकी जो बात है उसको फर्दर आगे बढ़ाते हुए इन सब चीजों में यही बात करूंगा, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मेज, इन पांचों चीजों में ये बात करूंगा। ये जो आप बात कर रहे हैं इसको कहते हैं नीश, एक नीश मार्केट बनाना, यानी कि एक छोटे से सेगमेंट को केटर करना, लेकिन उस सेगमेंट में बेनिफिट आपको ये होता है कि रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप 1 रुपए की चीज बना के 10 रुपए की बेच सकते हैं, उसको कहते हैं नीश मार्केटिंग। तो ये शुगर केन में जब आपने बात की शक्कर की गेहूं की, तो एक नीश मार्केट है, वो एक खास लोग ज्यादा पैसे दे के खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह दुनिया में शुगर हजारों टन के हिसाब से बिकती है, वो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं होगा। इसी तरह मेज में जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो तो आम अवेलेबल है, डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ नीश मार्केट्स डेवलप की जा सकती हैं। आई एम श्योर बाकी चीज़ों में भी ऐसा होगा। बिल्कुल, मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा कि जो इनके मेन स्ट्रीम बिजनेसेस है वहाँ पे शायद इतनी स्कोप नहीं रह गया, लेकिन नीश मार्केट्स, नीश प्रोडक्ट्स डेवलप करके ये आप ही की बात को आगे लेके चलता हूँ। रियलिटी ये है कि शुगर तो पूरी दुनिया में मेखल में पाकिस्तान से सस्ती ही बन जाती है और पूरी दुनिया में लोग उठाते हैं। ये ऐसी चीज है जो एक तरह से, जैसे आप कह रहे हैं, है बिल्कुल थोड़ी सी एक्सक्लूसिव एंड नीश मार्केट। जब दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं कि लोग हेल्थी खाएंगे, ठीक है, इसको मेखल में क्योंकि जितनी नेचुरल फॉर्मेट है, दिस इज ऑल्सो आपका इम्यून सिस्टम बेटर रखती है क्योंकि जितना आप नेचुरल खाते हैं। तो वैसे ही जिस तरीके से COVID-19 आया हुआ है और ये कहते हैं कि ये साल डेढ़ साल रहेगा, उसके बाद देर इज अ पॉसिबिलिटी उसकी सेकेंड स्पाइक्स आए। तो इस वक्त अगर हेल्थ को किसी ने बेटर रखना है तो जितनी नेचुरल चीजें वो बंदा खाएगा उतना ही ओवरऑल आपको बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा होगा। ये जितनी भी नई नई फैंसी चीजें बनाते हैं वो देखने में अच्छी होती हैं, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन पे ज्यादा जोर है, लेकिन उनमें जो एक्चुअल नीड क्वालिटी है वो नहीं होती। और दुनिया उस तरफ जा रही है, लोग, मैं आपको लिख के देता हूँ, WHO या जितने भी लोग हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन लोगों में एक अवेयरनेस है कि हमें हेल्थी खाना है। मिसाल के तौर पे लोग अब पसंद करते हैं फ्रेश चिकन रादर देन फ्रोजन चिकन, हालांकि उसकी एक मार्केट है। तो ये इस तरह की चीजें लोगों का एक जेन बन रहा है। तो इसमें बिल्कुल ये वो एरियाज हैं जिस पर कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन अगर आना चाहता है, ये थोड़ा सा हट के है, मेरे ख्याल में इसमें एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। ठीक है, आप बात को आगे लेके चले जी। आप जिस मार्केट की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ और वेलबींग की जो मार्केट है ये पिछले 15-20 सालों से इसकी तरफ एक रुझान है दुनिया का, और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये नज़र आता है, ये लगता है कि ये मार्केट जो है ये COVID-19 के बाद ज़्यादा स्पीड से एक्सपैंड करेगी, जहाँ पे नेचुरल होलसम चीज़ों को जो है वो लोग इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम हाई ग्रोथ पोटेंशियल एरियाज में जाएं, हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर एक सब सेक्टर है पोल्ट्री का, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि ये भी गालबन इसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है,
और इसमें उनको बहुत लंबा चौड़ा, ऑल्दो हम इतनी इफेक्टिव हैं या एफिशिएंट है पोल्ट्री को मैनेज करने में जितना कि दुनिया में कोई भी दूसरा मुल्क होगा, हमारे अंडे भी दुनिया के मुकाबले पे ही प्रोडक्टिव हैं, उनकी यील्ड अच्छी है, और हमारी जो गोश्त वाली मुर्गी है वो भी दुनिया के मुकाबले में, और वो टेक्नोलॉजी की इंडक्शन पिछले 20 सालों में इतनी ज़्यादा हुई है सेक्टर के अंदर, इतना ये मैकेनाइज हो गया है कि इसमें जो है वो शायद बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हम बात बार बार जो है हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी नीश मार्केट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है फ्री रेंज पोल्ट्री, ओके, जहाँ पे आप ये सफ़ेद चूजा की बजाय जो नॉर्मल एक आपकी रोड आइलैंड रेड एक मशहूर मिस्री जिसको हम यहाँ लोगों में कहते हैं देसी जबान में, ये मुर्गी को ओपन एनवायरमेंट में पालते हैं। सो हमारा जो फार्म है वो इस तरीके से हम बनाते हैं कि उसमें एक छोटा सा शेड है और उस शेड के बाहर एक ओपन एरिया है, एक ओपन बान है या एक ओपन लॉन है। आप रात के टाइम वो मुर्गियां अपने शेड के अंदर चली जाती हैं और दिन के टाइम वो बाहर लॉन में फिरती हैं और उनका एक नेचुरल हैबिटेट वहाँ पे मौजूद होता है जिसमें वो जो है वो घास कीड़े मकौड़े वगैरह वो जो अपनी नेचुरल एक उसकी उससे वो जो उस गोश्त की क्वालिटी है, उस मुर्गी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली मैं क्योंकि ये कारोबार खुद इसमें एफर्ट कर चुका हूँ, वो महंगी मतलब जो 200 रुपए में आपको मुर्गी बन रही है इसमें अभी खरीद बेचने में भी महंगी है और इसको उसको ग्रो करना भी महंगा पड़ता है आपको, टाइम कंज्यूमिंग है, छह वीक में चूजा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि आप उसको काटना, छह महीने आपको उसको पालना पड़ता है, तो उनके मुकाबले में तो आप काफी महंगे हो जाते हैं। लेकिन बहर इसकी भी एक नीच मार्केट मौजूद है, जो लोग इस बात को समझते हैं वो इस बात को फिर कह के डिमांड भी करते हैं, वो पैसे भी देने को तैयार होते हैं। तो वो पोल्ट्री में मैं तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देखता, लेकिन कुछ नीच मार्केट इस किस्म की क्रिएट की जा सकती है और उस पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नीच मार्केट मैं आपकी बात दोबारा काट रहा हूँ, वो और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, लोगों की बाइंग पावर क्या है। अच्छा लकीली जिन कंट्री में हम रहते हैं यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर कंपैरेटिवली पाकिस्तानी नॉर्मल लोगों से बेटर है, ठीक है। तो जब आपकी बाइंग पावर बेटर होती है तो आप सोचते हैं कि जी हमें हेल्थी खाना है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान में लोगों की बाइंग पावर कुछ क्लास जो है तो उनकी बाइंग पावर तो बहुत तगड़ी है, खैर उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, अब मैसेज की बात कर रहे हैं, तो बाइंग पावर नहीं है लोगों की। तो ये नीश मार्केट उन जगह पे ग्रो होने के बड़े स्लिम चांसेस होते हैं, अनलेस आप बड़े सिलेक्टिव हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के पॉश एरियाज हैं अगर वहाँ पे मार्केटिंग करें तो शायद उसकी एक डिमांड है क्योंकि लोगों की बाइंग पावर है, तो जैसे आपने कहा नीश। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन मौजूद है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की बात है क्योंकि लोगों की बाइंग पावर थोड़ी सी ज्यादा है और लोग में सिर्फ उनको रियलाइज करवाना है कि आप उनको क्या दे रहे हैं, एक नेचुरल फार्मर दे रहे हैं, ठीक है आप बात करें। सो बेसिकली जी ये वो सारी चीजें होंगी जिसमें हमें लगता है कि ये एक आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे 20-25 सालों में कुछ केसेस में जिस तरह फ्लोर मिल्स हैं 50-60 सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नए किसी इन्वेस्टर को इस जगह पे आके काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल है और उसको मुनाफे में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अनलेस कि वो कोई एक स्पेशलाइज्ड नीश मार्केट अपनी ना एस्टेब्लिश कर लें। लेकिन उसके साथ साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे एरियाज की भी बात की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई अब तक, इन्वेस्टमेंट की बहुत गुंजाइश मौजूद है, दुनिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है इन चीज़ों में, दुनिया में डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मैंने वैल्यू एडेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की सिर्फ बात आपको एक प्रोग्राम में बताई कि दुनिया में पिछले 10 सालों में जो वैल्यू एडेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे पल्प और डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनकी ट्रेड में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डबल हो गई है, हर साल 13% इजाफा होता है एवरेज इन चीजों की दुनिया में ट्रेडिंग जो हो रही है उसके अंदर, और वो जिसकी वजह से 10 सालों के अंदर वो डबल
हो गई है, जितनी 10 साल पहले थी उससे डबल आज है, और वो इसी स्पीड से आगे भी बढ़ रही है। तो इन फील्ड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट का साइज भी एक्सपेंड कर रहा है, पाकिस्तान में तमाम रॉ मटेरियल भी मौजूद है, तमाम क्वालिटी सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करनी है, कुछ केसेस में टेक्नोलॉजी भी लोकली बनवाई जा सकती है, और इस किस्म की फैक्ट्रियाँ, इस किस्म की इंडस्ट्रीज लगा के आप एक तरफ तो लोकल मार्केट को कैटर करना शुरू कर देंगे और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुल जाएंगी। तो उसमें हमने सबसे पहले पहले प्रोग्राम में डेयरी की बात की थी, डेयरी में और मीट में तो हमने ये कहा था कि मैकेनाइज मॉडर्नाइज फार्म्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे पोल्ट्री के फार्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं और वो बड़े मैकेनाइज फार्म्स हैं, एनवायरमेंट कंट्रोल्ड है। तो इसी तरह अगर हम इम्पोर्टेड ब्रीड्स को ला के पाकिस्तान में जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कहा था कि पाकिस्तान से नीली रावी भी तो एक बड़ी जबरदस्त जो बिल्कुल यानी को आपको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो भी उतनी आपको दूध भी दे रही है और उसका मीट भी मेरे ख्याल में वो बड़ी जल्दी ग्रो हो जाती है, आपने उसका जिक्र किया था, इसी तरह था जी। सो ना सिर्फ भैंसों में नीली रावी, लेकिन हमारी जो गाय जो है अपना चुलिस्तान की, ये बड़ी मतलब पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इन ब्रीड्स पे काम हुआ है, इनको डेवलप किया गया है, ये लोकल एनवायरनमेंट में बगैर किसी मॉडर्न शेड के इनको रखा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली गर्मी सर्दी क्योंकि यहाँ ज़्यादा पड़ती है तो उसका इफेक्ट इस पे आता है, फिर इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर इन भैंसों को भी, हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं, इनको भी किसी प्रोटेक्टेड शेड और एक अच्छी एनवायरनमेंट में अच्छी फीड के साथ रखा जाए तो जो मुख्तलिफ ब्रीडर्स हैं, मुख्तलिफ ग्रोअर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब इनको अच्छे तरीके से रखा गया है तो ये भी जो है ये कंपेरेबल है टू द इंटरनेशनल वैरायटीज। सो नीली रावी की बात करें ना, मैं नीली रावी, साहिवाली, ये तमाम जो मुख्तलिफ वैरायटीज हैं पाकिस्तान की इंडिजिनस वैरायटीज हैं, मैं उनके बारे में बात ये कर रहा हूँ कि उनकी ब्रीड्स को भी कुछ ना कुछ डेवलप यहाँ के लोकल ब्रीडर्स ने किया है, जिसकी वजह से अगर उनको अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छी फीड, अच्छी मैनेजमेंट दी जाए तो काफी हद तक वो कंपेरेबल हो जाती हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, बेहतर हो जाती है। लेकिन उस सारी चीजों के लिए जरूरत है बेतहाशा ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न तरीकों को अडॉप्ट करने की, उनको अच्छी एनवायरनमेंट देने की, अच्छी ब्रीड्स को ला के उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाए जो कि अच्छे मयार के जो ब्रीडर्स हैं उनसे ली जाए। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, एक तो पक्की बात है मैं आपकी बात को एक्चुअली सेकंड कर रहा हूँ, किस रेफरेंस से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनिशियली दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे काम ही इस तरह की एनवायरमेंट में होता है, तो वो इजीली जाके उससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने जाके वहां पे वो एनवायरमेंट क्रिएट करनी है जिसकी मेहनत में कॉस्ट भी कोई इतनी बड़ी नहीं है जैसे कोई बड़ी ह्यूज कॉस्ट है, तो आपको प्रोडक्शन अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये नहीं कि वहां पे जो लोकल बंदा है वो अपने पुराने ओल्ड स्कूल में फंसे हुए हैं, वो लोग मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है बाज़ दफा लोग जो पुराने एक रूटीन में फंसे हुए हैं, रूटीन को चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर यहाँ से कोई बंदा जाएगा और उसको पता होगा कि भाई हाँ अगर मैंने ये एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है तो वो तो यूज टू है इस एनवायरनमेंट का, और वो बिल्कुल आसानी से करेगा और उसको उसके समराज भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, इसी तरह ही जी। थोड़ा सा इसको मजीद एक्सपैंड कर देते हैं, आपने जो बात की वो ऐसे शायद पूरी तरह से नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग जब होती है, जो बड़ी कॉर्पोरेशन आती हैं और बहुत उन्होंने भी एक कुछ अपने फार्म अच्छे खासे बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है थोड़े से हैं, तो वो तो बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक जिस तरह की आपकी बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, यूके में है, उस तरह की टेक्निक्स यहाँ पे अडॉप्ट कर चुके हैं। हमारे छोटे फार्मर का अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत गरीब है, जिसके पास एक भैंस है, दो भैंसे हैं, वो बेचारा इतना गरीब है कि वो तो दरख्त के नीचे ही अपनी भैंस को पाल सकता है। तो वो गालबन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका माइंडसेट फिक्स है, शायद वो भी हो, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके बेचारों के पास तो कैपिटल ही नहीं है। जब भी कोई ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर आता है जिसके पास कैपिटल होता है
उसके लिए ये चीजें करनी पॉसिबल भी होती है, इन बेचारों के ये तो पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है, वो तो एक साइकिल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको आज कुछ सिखा भी दें तो शायद वो उतना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना उनको बेचारों को लोन अवेलेबल है इस किस्म के, ना इस वक्त कम अज कम गवर्नमेंट जो है इस किस्म की कोई सब्सिडी भी नहीं दे रही है कि वो अच्छा शेड बनाने के लिए उनको कुछ सपोर्ट दे दे, तो इस किस्म के प्रोग्राम्स भी मौजूद नहीं है। सो जहाँ पे चंद अच्छी सक्सेस स्टोरीज कॉर्पोरेट सेक्टर में या मीडियम साइज फार्मर्स में अवेलेबल है, जो छोटा फार्मर है उस बेचारे के पास वो तो जकड़ा हुआ है। मैं समझ बड़ी वजह बात की आपकी बात को ही सेकंड कर रहा हूँ कि रियलिटी में जो यहाँ से इन्वेस्ट करने जाएगा ऑब्वियसली उसके पास बाइंग पावर है या उसको जाए इन्वेस्टमेंट के लिए रहा है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे उसको ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और उसको रिटर्न मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास एक तरह से स्ट्रेंथ है बाइंग पावर, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, तो यानी कि वो छोटे लेवल पे भी कर सकता है, इसलिए ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है जी। सो देखिए 50 गाय से या भैंसों से भी काम किया जा सकता है एक शेड बना के, और वो 5,000 से भी किया जा सकता है, 25,000 से भी किया जा सकता है। वो इस पर्टिकुलर यूनिट की एडवांटेज ये है कि फॉर एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट इन अ मॉडर्न वे, एज लॉन्ग एज योर टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, योर इनपुट्स दैट यू आर यूजिंग आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो कोई उसमें नजर नहीं आता, कोई वजह नहीं है कि आप 50 भैंसों से या 25 भैंसों से भी वो मुनाफा ना कमा सकें जो कि एक 25,000 भैंसों से कोई बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर कमा रहा है। इसमें सिर्फ एक बात मेरे ज़हन में, व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू, इनकी फीड तो पाकिस्तान में अवेलेबल है ना, यानी कि खाने के लिए भैंसों के पास इनफ चारा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ जो यहाँ पे कैटल फार्मिंग होती है वो तो घास ही खा रही होती है और कुछ खा ही नहीं होती यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, जो मुझे अभी तक यहाँ पे ऑब्वियसली आई एम नॉट गॉन इन देयर, वो ज्यादातर बाहर घूम रही होती है इनकी, आप चले जाए कंट्री साइड में जो कैटल फार्म है वो शाम को अंदर चली जाती है, अपने उसमें घुस जाती है, सुबह वो घूम रही होती है, घास ही खा रही होती है, उनको मैंने तो कोई नहीं देखा। ये थोड़ा सा मतलब वो एक आउटसाइडर को यही नजर आएगा, लेकिन अच्छा। ये थोड़ा सा मसला ज्यादा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो आपको फीड घास जो वो खा रही होती है वो भी खास किस्म की जिसमें से उनको उनकी जरूरियात पूरी हो जाए, वो अल्फा अल्फा हो या और वराइटियाँ हो मुख्तलिफ पेस्टर्स की, वो लगानी पड़ती हैं आपको जिसमें से उनको अपनी ताकत भरपूर मिल जाए। उसके अलावा वो यहाँ पे हम उसको कहते हैं वंडा, तो वो कॉटन सीड ऑयल से का जो केक निकलता है, कॉटन जो ऑयल फैक्ट्री है उसका जो केक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है वो उनको प्रोटीन सोर्स के तौर पे अलहदा से डाला जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मिक्स फीड फार्मूलेशन भी अवेलेबल है, जिस तरह पोल्ट्री इंडस्ट्री एक फीड खरीद के डालती है अपनी मुर्गियों को, इस तरह मिक्स फीड भी अवेलेबल है। फिर उनकी आपको ब्रीडिंग करनी पड़ती है, अगर बुरे जानवर के साथ बुरे सीमन के साथ उनकी ब्रीडिंग करेंगे तो उसी तरह का बच्चा पैदा होगा, अगर अच्छे के साथ अच्छी ब्रीड कर देंगे तो उसको भी मॉडर्नाइज, वो भी जितने भी सीमन प्रोडक्शन यूनिट पाकिस्तान में मौजूद है दुनिया में मौजूद है उनसे वो अगर आप इम्पोर्ट, और होता भी है पाकिस्तान में इम्पोर्टेड सीमन लाया जाता है, पाकिस्तान में अपने अच्छे ऑर्गेनाइज सीमन प्रोड्यूसर्स भी मौजूद है, वो आपका दूसरा इनपुट हो गया, सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है, मेडिसिन ड्रग्स और हेल्थ सर्विसेज वगैरह भी अवेलेबल है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो लोग मॉडर्न तरीके से काम करना चाहते हैं उनके लिए तमाम तर इनपुट इंडस्ट्री अवेलेबल है। अच्छा, हमारे पास 6-7 मिनट रह गए हैं, हमने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, प्रोग्राम कंक्लूड करने के बाद हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना है, वो हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने जो आपने ऑयल की बात की थी ना, उस पर ज्यादा हमारी बात नहीं हो सकी, अगर आप उसको थोड़ा सा समराइज करना चाहें, ये जो हम दुनिया में ऑयल जो फलों से फूलों से इस तरह की ऑयल की आपने बात की थी, मुझे लगता है कि हमने इस पर ज्यादा बात नहीं कर सके थे, अगर इसको थोड़ा सा आप जी बिल्कुल नहीं कर सके। आई थिंक इस प्रोग्राम को इन्हीं दो चीजों पे एंड कर लेते हैं, जो बाकी के सेक्टर्स हैं उनको भी क्विकली समराइज कर लेते हैं और थोड़े समय क्विकली आपको ये जी दुनिया में परफ्यूमरीज के लिए परफ्यूम बनाने के लिए उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के खानों में मिंट ऑयल जो है वो इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ किस्म की मतलब नेचुरल रेमेडीज
हर्बल रेमेडीज जिसमें ये नीम का ऑयल और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह हर्ब्स, फ्लावर्स, इन तमाम चीज़ों की एक एक, एक, एक की जो एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो उसकी दुनिया में एक बहुत बड़ी मांग है, एक डिमांड है। और ये बड़ा इतना महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल से चार टेक्नोलॉजीज इसमें अवेलेबल है दुनिया में। उन चारों टेक्नोलॉजीज में से जो टेक्नोलॉजी भी आपको सूट करती है वो आप चाइना से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, कुछ पाकिस्तान में भी बनाई जा सकती हैं, वो आके यहाँ पे इस काम को बड़े छोटे पैमाने पे शुरू किया जा सकता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं चाहिए। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में हर्बल इंडस्ट्री जो है वो इसकी डिमांड करती है, मिडल ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यूरोप के अंदर खासतौर पर जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, परफ्यूम्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। उसके अलावा मिंट ऑयल और इस किस्म की जो और अरोमेटिक ऑयल्स हैं उनकी भी एक ज़रूरत मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर नीम ऑयल एज ए पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पूरा एक ना सिर्फ ये कि इसकी दुनिया भर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मंडियाँ और मार्केट्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में इसके बेशतर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, मोतिया हो जाए, गुलाब हो जाए, ये सब फूल बिल्कुल इसी तरह बल्कि बेटर अवेलेबल। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पूरे यूरोप में घुमा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, यूके में सारे में, मैंने कभी इनके जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनमें कभी खुशबू नहीं देखी, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जब हम पाकिस्तान में जाते हैं, मोतिया लगाओ, गुलाब लगाओ या और भी चंबेली के, उनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि क्या वजह है। और मुझे ख्याल में वजह यही है कि सॉइल का फर्क है। पाकिस्तान का जो सॉइल है वो एक्चुअली कंपैरेटिवली इनकी ग्रोथ जो है वो बेटर है, मेरे ख्याल में उसमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि बासमती चावल जो है वो शायद इंडिया और पाकिस्तान में ही ग्रो होता है, क्योंकि वो शायद ज़मीन की बात है और बड़ा खुशबूदार चावल होता है और बड़ा ही पसंद किया जाता है उसको, जैसे कहा जाता है कि जी किंग ऑफ ऑल राइस बासमती राइस। सो ये इसी तरह की मुझे तो यही बात लगती है, अगर आप इसको सेकंड करना चाहें तो। वो एक्चुअली इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज डेवलप की हैं हाइब्रिड करके, जिसकी वजह से हुआ ये है कि वो खूबसूरती में, मतलब जो हमारा देसी गुलाब है उसकी शक्ल शायद उतनी ना बने, उसके अंदर रंग सिर्फ शायद आपको एक दो ही मिले, वर्सेस ये कि ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड वैरायटियां डेवलप की उसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन वो इतना बड़ा आप उन्होंने उनको बना दिया हुआ है और वो हर किस्म के रंग हैं, एक गुलाब में 10 रंग डाल दें, वो सारी जो ऑल्ट्रेशन उन्होंने की हैं उसकी वजह से उसकी खूबसूरती में तो इजाफा हो गया है, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो गई है। तो वो जो जो आपका एक देसी एक जो नेचुरल चीज़ है वो पाकिस्तान में अब तक उसको पसंद किया जाता है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल भी लगने शुरू हो गए हैं, आर्टिफिशियली डेवलप कहना चाहिए, लेकिन देसी वाल काफ़ी मकदार में मौजूद है। तो आपको जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो लोकली अवेलेबल हो जाएगा अगर आप एसेंशियल ऑयल के ऊपर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास 3 मिनट रह गया तो हम इसको समराइज करते हैं और आखिर में मैं अपने व्यूअर्स को यही बताऊंगा, आप पहले बात कर ले फिर आखिर में मैं इसको कंक्लूड करता हूं। जी, इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमने मतलब लाइफ स्टॉक को कंक्लूड इस तरह कर लेते हैं कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है उसमें आज तमाम एरियाज में पोटेंशियल मौजूद है। पोल्ट्री की वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, आप मीट को फ्रीज कर लें, सॉसेजेस में कन्वर्ट कर लें, नगेट्स में, कबाब में, इसी तरह जो आपका दूसरा मीट है बफलो का या काओ का, उसकी भी वैल्यू एडेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं जो आप पाकिस्तान में भी सेल कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप अक्रॉस ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ लाइफ स्टॉक अवेलेबल है। डेयरी में आप हमने बात की थी कि बफलो के चीज़ बना के दुनिया में खास तौर पे ब्रांड करके लेके जाया जा सकता है स्पेशलाइज चीज़ के तौर पे। फिर हमने काफ़ी डिटेल में गए थे हॉर्टिकल्चर के अंदर, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को बताया कि जी आप वो मैंगो के चिप्स या गुवावा के या एप्रिकॉट के पल्प के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की। हमने वो पोटैटो के फ्लावर और फ्लेक्स बनाने के ऊपर बात की। तो इस तरह हमने ये एस्टेब्लिश किया कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। वैल्यू एडेड, हॉर्टिकल्चर, तमाम टेक्नोलॉजीज आप अप्लाई करें तो उनमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यू एडेड लाइफ स्टॉक में भी तमाम टेक्नोलॉजीज जो आप अप्लाई करेंगे उससे आपको रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे।
लेकिन जो आपकी मेन पांच क्रॉप्स हैं वहां पे जो है वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मजीद इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश, स्वाय चंद कोई नीश प्रोडक्ट आप अगर बनाना चाहें तो उसके अलावा कोई खास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं। अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल हमारा आखिरी टाइम आ गया, यानी कि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मेरी बाबर मलिक साहब से जो बात तय हुई है कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में हम और फील्ड्स में जाएंगे ग्रेजुअली, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो पिछली सारी हमारी डिस्कशन हुई है ओवरऑल हमने एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हालांकि मुझे लगता है हमने कई एरियाज अभी मिस कर दिए हैं। हमारी ये बात तय हुई है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक एक प्रोजेक्ट को उठाएंगे, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन सी साइट पे आप जा सकते हैं, और उसको हम समराइज करके 10 12 15 20 मिनट में एक फील्ड को कि कहाँ आप कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, उसको हम करेंगे। तो ग्रेजुअली हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे कि जितनी हमने 5-6 प्रोग्राम्स किए हैं स्पेशली एग्रीकल्चर के हवाले से और ये जो सारी फील्ड से रिलेटेड है, उसको हमने इस तरह बनाना है कि जहां जहां लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का है तो अगर वो सिर्फ उसको खोल लें तो उनको पता लग जाएगा कि ये अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये इसका एक फ्रेमवर्क है, अगर किसी दूसरी फील्ड में करनी है तो उसका ये फ्रेमवर्क है। ये हमने सोचा है कि इनिशियली जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है अब इसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं बुलेट्स पॉइंट पे लेके आएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक फील्ड को, ये हमारी बात तय हुई है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इस तरह का काम करेंगे। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो भी हम लेके आएंगे, लेकिन जो अभी तक हमने काम किया है हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ इसके ऊपर एक बुलेट पॉइंट की तरह 10-15 मिनट की वीडियोस बनाए ताकि हम लोगों को बताएं कि भी हाँ अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, ये है। मेरे ख्याल में ये हमने तय किया है, तो आगे आने वाले दिनों में हम बिल्कुल यही काम करेंगे। आखिर में बाबा साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद हम इजाजत लें। जी बिल्कुल, थैंक यू। मेरे ख्याल से जी एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करने की बुनियादी वजह मेरी नज़र में ये थी कि हमारी जीडीपी का 21% 22% जो है वो एग्रीकल्चर है, और ये सेक्टर जो है बहुत अरसे से बहुत स्ट्रेस में है। हमारे मुल्क की 40% आवाम को ये रोज़गार मुहैया करता है, तकरीबन आधी आवाम जो है हमारे मुल्क की वो इस सेक्टर से अपना रोज़गार कमाती है, क्योंकि हमने उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेके आ सके जहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा है और आवाम के लिए रोज़गार के अच्छे मौके निकल सकते हैं। उसकी वजह से हमारे लोग बहुत प्रेशर में हैं, बहुत मुश्किल में रहते हैं, और इसलिए मुझे लगता ये था कि इस सेक्टर पे सबसे पहले फोकस किया जाए, गौर किया जाए, जिससे हमारे आधे मुल्क को फ़ायदा हो सके, अगर हम इन्वेस्टमेंट उस तरफ कर सकें जिस तरफ जो है प्रॉफिटेबिलिटीज ज़्यादा हैं। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप लेबर को भी कुछ रख सकेंगे, आवाम की खुशहाली में भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। लेकिन जैसे फहीम साहब ने कहा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे शोबे हैं, इंजीनियरिंग में बहुत सारे शोबे हैं, माइंस और मिनरल्स के अंदर बहुत सारे शोबे हैं, मार्बल, जेम्स, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, आईटी में बहुत ग्रोथ आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन पे डिटेल में बहुत बहुत जाके डिस्कशन बड़ी इन डेप्थ की जा सकती है। होम अप्लाइंसेस, आपको मैं इस प्रोग्राम से पहले बता रहा था कि पाकिस्तान ने जो है माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इस किस्म की चीज़ें भी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं। तो बहुत सारे शोबे और हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे फोकस रखने की वजह ये थी कि इससे इसमें अपॉर्चुनिटीज एक तो हैं कहाँ, वो बहुत अच्छी हैं, ब्राइट हैं, और उससे बहुत आवाम के एक बहुत बड़े सेगमेंट को जो है उससे बेनिफिट पहुँच सकता है। ये मैं एंड नोट पे ये कहना चाहता था कि शोबे बहुत सारे फोकस की वजह ये थी। एंड नोट पे ऑफ स्टूडियो मैं सिर्फ, क्योंकि आपने कुछ खुशखबरी देनी थी हमारे पाकिस्तानियों के लिए, मैं इतना कहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा से मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन फुटबॉल बनाने में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स में पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट की जाती है, पाकिस्तान दुनिया में बड़े लोगों में उनका शुमार होता है। लेकिन बाबा मलिक साहब आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दो चार चीज़ें
अभी पाकिस्तान ने अचीव की है, तो उसको आखिरी नोट पे हम करके अपने दोस्तों से इजाजत देते हैं। जी, ये कोविड 19 वाज अ कर्स एंड अ ब्लेसिंग इन सम वेज एट द सेम टाइम, क्योंकि पाकिस्तान से बेतहाशा इस वक्त जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो बन के दुनिया भर की मंडियों में जा रहे हैं, हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट इस पर हो रही है। ये एक नई फिनोमेना है, इससे पहले ना पाकिस्तान में बनते थे ना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते थे, सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर हमने बनाने भी शुरू कर दिए हैं तमाम किस्म के प्रोटेक्टिव गियर और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है, ये जो आपके वेंटिलेटर्स हैं जो अभी 2 महीने पहले तक हम इम्पोर्ट कर रहे थे, 1 महीने पहले तक बल्कि हम इम्पोर्ट कर रहे थे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इस वक्त पाकिस्तान अपने वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए, मुख्तलिफ मॉडल्स उसके। और सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के तमाम वेंटिलेटर्स अब आगे से खुद बनाएगा और उसके बाद जो है इसकी एक्सपोर्ट भी करनी शुरू कर देंगे। और ये भी मुझे नहीं लगता कि चंद महीने आगे की बात है कि आपको हम बता रहे होंगे कि पाकिस्तान से वेंटिलेटर्स जो है वो भी एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए। माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, ये चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान से, वॉशिंग मशीन तो पहले भी हो रही थी, माइक्रोवेव भी पाकिस्तान से अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। एक तो मुझे जिसकी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट से खुद भी किसी हद तक लिंक रहा हूँ, USAID का एक प्रोजेक्ट था मैंगो की एक्सपोर्ट्स का, तो हमने यूरोप की मंडियों तक रसाई के लिए हेल्प की फार्मर्स को, प्रोसेसर्स को, अमेरिका तक आम पहुंचाया। लेकिन दुनिया की जो सबसे मुश्किल मंडी है और सबसे रिवॉर्डिंग मंडी है, जहां पे उनके स्टैंडर्ड्स भी सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और वो सबसे ज़्यादा कीमत भी अदा करते हैं फिर उसकी, वो है जापान की। तो इस साल से पाकिस्तान में जापान में भी जो है वो मैंगो की एक्सपोर्ट शुरू हो गई है, जिसका मतलब ये है कि आप दुनिया में मैंगो की प्रोसेसिंग के हवाले से जो हॉलमार्क है वो आपने अचीव कर लिया है कि जापान की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो अब आपने मीट करने शुरू कर दिए हैं। तो ये चंद अच्छी पॉजिटिव खबरें थी जो आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि चैलेंज के अंदर जब आप उस चैलेंज से लड़ते हैं और उसको 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 हेड्स ऑन लेते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी उसी में से निकलती हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त, और भी बहुत सारी कुछ खबरें हैं, हम अगले प्रोग्राम में उसको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच हो गया, तो हम आखिर में इतना ही कहते हैं, देखते रहिए नया दिन टीवी बाबू मलिक के साथ। आप जैसे हमने कहा है कि हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे, हम एक एक सब्जेक्ट को 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की वीडियोस लेके आएंगे ताकि लोग उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, देखते रहिए नया दिन टीवी।